शशांक कैसा है अग्रवाल साहब? ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कॉलेज के नजदीक ही किसी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता चला ये सब किसने किया? देखिए, अभी तक तो कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। दिस वॉज ए हिट एंड रन केस, बट वन थिंग इज श्योर कि जिसने भी एक्सीडेंट किया है वो उस वक्त शराब पी हुए था, क्योंकि हमें उस जगह से बियर की खाली बॉटल मिली है। डॉक्टर साहब, हम जल्दी पता लगा लेंगे। शशांक, डोंट वरी, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अब खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश कब तक आ जाएगा? अभी थोड़ा टाइम लगेगा इंस्पेक्टर, आप चाहे तो जा सकते हैं। जैसे ही वो होश में आ जाएगा हम आपको इतला कर देंगे और आप आकर अपना पंचनामा कर लीजिएगा। ओके, देन यू प्लीज गिव मी अ कॉल। डॉक्टर साहब, क्या मैं? नहीं नहीं, पेशेंट अभी इस हालत में नहीं है कि आप उनसे मिल सके, इसलिए आपके फैमिली का कोई एक दो आदमी यहाँ उनकी देखरेख के लिए रुक जाइए और आप लोग घर जा सकते हैं। ओके अग्रवाल साहब, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। चिंता मत करना, शशांक जल्दी ठीक हो जाएगा, बस प्रथम अभी आता ही होगा। हम चले। मम्मी, आप और पापा भी थोड़ी देर के लिए घर जाके आइए, मैं यहाँ संभालूंगी। दीदी ठीक कह रही है, मैं और दीदी यहाँ सब संभाल लेंगे, आप दोनों घर चले जाओ। तुम सब जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। पापा प्लीज जाइए ना, थोड़ा आराम कर लीजिए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो विल डेफिनेटली कॉल यू। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। सर ये कुछ दवाई है, आप बाहर से लेके आइए। अच्छा, आओ प्रीति, मैं तुम्हें दवाइयाँ दिला देता हूँ। चलो दादी, टेक केयर। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ शशांक? तुमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये सब। दीदी, जीजू आए हैं, आइए ना। दीदी मैं ये दवाई ये डॉक्टर को देकर आती हूँ। कैसे हुआ ये सब? कॉलेज के बाहर किसी जिप्सी वाले ने टक्कर मार दी, तो ड्राइवर वाज ड्रंक। कुछ पता चला कौन था वो? अभी तक तो नहीं, अगर एक बार मुझे वो आदमी मिल जाए ना तो आई किल हिम। गौरी के यहाँ से किसी का फोन आया था? आया था ना दीदी, जब आप अंदर थी। शशांक के बारे में कुछ कहा उन्होंने? बोल रहे थे उसको होश अब आ गया है और घर ले आए हैं, और साथ में कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं। भगवान का शुक्र है, ज्यादा चोट नहीं आई। अरे हेलो। हाँ कौन? मानव। अरे कैसा तू? ए, तू दिल्ली क्या चले गया? वही का हो गया? हमें तो भूल ही गया। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बोल। क्या तो बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है? अरे ग्रेट, कब? कल। मानव कल आ रहा है? हैं? अच्छा अच्छा, हमारे घर के होते हुए तेरे लिए होटल में बुकिंग करवा दूँ। हाँ उससे कहो सीधा यहाँ चला है, वरना मैं बहुत गुस्सा हो रहा हूँ। सुनो सुनो भैया क्या कह रहे हैं, अगर तू सीधे घर नहीं आया तो वो तुझसे बहुत नाराज होंगे। मैं उन्हें नहीं समझा सकता। नहीं बस तू उनकी बात मान ले। हाँ अब नो मोर डिस्कशन, तू सीधे घर पे मिलेगा। ओके ओके बाय। मानव कल आ रहा है? हाँ कल आ रहा है। कितने दिन हो गए उसे भी? बेटा नंदनी रघु से कहकर मानव के ठहरने के लिए गेस्ट रूम साफ करवा। जी बाबू जी। ओह हाय मिस्टर समय। हाय स्वाति, आइए ना प्लीज कम। थैंक यू। नताशा है? हाँ दीदी तैयार हो रही हैं।
बताती हूँ। अच्छा आप बताइए, आप चाय लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं चाय पी कर आया हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। अच्छा ही हुआ कि आपने चाय के लिए मना कर दिया, क्योंकि मुझे वैसे भी चाय बनानी नहीं आती। दीदी आ गई। हाय समय। हाय। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर में। कुछ लिया नहीं तुमने? स्वाति, go and get something for him। हाँ मैं अभी आपके लिए कुछ ले लेने रही। फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं। I'm okay। Are you sure? Sure sure, पक्का। अच्छा ये नताशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फोटोग्राफ? ओह वाव, ये तो प्रथम की शादी की फोटोग्राफ है। नताशा ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है बल्कि कुछ यादगार लम्हे हैं जो इन तस्वीरों में कैद हैं। हाँ और अब ये देखो, इसमें क्या है? ये तो खाली फोटो फ्रेम है। हाँ, इन सारी तस्वीरों में से तुम्हें कोई भी एक फोटोग्राफ पसंद करना है और वो फोटोग्राफ तुम इस फोटो फ्रेम में लगाओगी इसी वक्त। ओके, दिस वन? नो, देन नो। सभी अच्छे हैं, सिर्फ एक ही सिलेक्ट करनी है। आई थिंक ये अच्छी है ना समय? अरे कमाल, मुझे भी ये फोटोग्राफ बहुत पसंद है। दरअसल क्या ना, इस फोटोग्राफ में हमारी पूरी मित्तल फैमिली मौजूद है। शमी, द फोटोग्राफ इज रियली गुड। पूरी मित्तल फैमिली है, लेकिन आप दोनों इस फोटोग्राफ में बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, पर चलता है, इट्स अ गुड फोटोग्राफ। थैंक्स। लेकिन आपकी इस फैमिली फोटोग्राफ में ये लड़का क्या कर रहा है? हे बुद्धू, ये तो तुषार है, तुषार मित्तल, समय का कजन। व्हाट यू मीन, ये तुषार नहीं, तुषार मित्तल है। और नहीं तो क्या? अच्छा ठीक है, तू ये सब फोटोग्राफ संभाल कर रख दे, मैं उस समय शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओके बाय बाय। तुषार मित्तल? क्या छोटी ने ऐसा कहा? हाँ दादी, वो तो न जाने क्या क्या बोल रही थी। ए, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? नहीं दादी, हम तो बस कुछ। चुप मत दादी, प्लीज बैठिए। हाँ बैठिए ना, बैठिए ना। मुझे पता है तुम लोग बड़ी के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरे दादी, हम आपका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? क्यों? आई स्वेयर दादी, हमने आपका मजाक नहीं उड़ाया, पूछिए। हाँ लगता है दाल में कुछ काला है। क्या काला दादी? कुछ भी तो काला नहीं। अरे हाँ दादी, एक्चुअली कल मैंने क्रॉस रोड में वो ब्लैक वाली ड्रेस देखी थी, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। इट वॉज ब्यूटिफुल दादी, आप चलेगी मेरे साथ शॉपिंग करने? मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है दादी, अगर आप नहीं चलती तो बड़ी दादी आप चलिए मेरे साथ। हाँ मैं चलूंगी बस। अरे बड़ी क्या जाएगी, चलो मैं चलती हूँ शॉपिंग में, तुम लोग 5 मिनट रुको, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ठीक है दादी, आपको कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, आप वैसे ही इतनी ब्यूटिफुल हो। सच मैं सुंदर लगती हूँ? मैं क्या आपसे झूठ कहूंगी दादी, यू आर जस्ट ब्यूटिफुल। अच्छा तो चलो फिर, चलो चलते हैं। कम ऑन, चलो दादी, चलो। ये दादी मेरे ब्लू शर्ट। या 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 लाउडली दादी, चॉकलेट दादी, चॉकलेट। चुप हो जा। अरे वास्मृति, अकेले अकेले खाना खाया जा रहा है? गौतम तुम कब आए? बस अभी अभी आया, वो बाबूजी ने कुछ चीजें भेजी थी अनाथ आश्रम के लिए। अच्छा, बहुत दिनों से नजर नहीं है, कहीं गए थे क्या? दरअसल मेरे बड़े भाई की शादी थी, उसी में बिजी था। तुम सुनाओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। साथ में खाना खाओगे? नो थैंक्स। तुम गरीबों का खाना क्यों खाओगे? तुम भी ना। अच्छा स्मृति, ठीक है खा लेते। ये हुई ना बात, ये लो रोटी, ये सब्जी और ये माँ ने बनाई दाल, खाओ। तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। हाँ पूछो। तुम आंखों से देख नहीं सकते, फिर भी सब कुछ इतनी अच्छी तरह से कैसे कर पाते हो? समझ गए तुम क्या जानना चाहते हो। पता है गौतम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत को भी अपनी अपनी कमजोरी बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं।
मैंने भी अपनी ब्लाइंडनेस को कभी अपने दिलो दिमाग पर असर करने नहीं दिया, शायद इसलिए मैं हर चीज को, हर आहट को महसूस कर सकती हूँ। अब चलो खाना खा लेते, ठंडा हो जाएगा। अरे आंखों में मत जा, लेकिन कल रात हमारे कॉलेज के पास एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। किसी गाड़ी ने एक राह चलते लड़के को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है, और आई विटनेस के मुताबिक जिस गाड़ी ने उस लड़के को टक्कर मारी है वो व्हाइट कलर की जीप से थी। हमारे कुछ स्टूडेंट के पास भी वैसी व्हाइट जीप सी है। इंस्पेक्टर साहब उसकी तहकीकात करना चाहते हैं, तो प्लीज आप में से जिस किसी के पास भी वो व्हाइट कलर की गाड़ी हो वो कंपाउंड में आ जाए, और प्लीज कोऑपरेट विद द पुलिस। की प्लीज आगे का टायर चेक करो। थैंक्स। प्रोफेसर साहब, इनमें से वो कोई गाड़ी नहीं है जिसकी हमें तलाश है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉपरेशन। इट्स ऑल राइट। ओके, चलता हूं। चलो। थैंक गॉड, बच गए। बच नहीं गए, बचा लिए गए। से थैंक्स टू मी। मालूम है, मैंने इन पहियों पर से खून के दाग साफ किए थे और उसके बाद वापस इन पर मिट्टी लगाई थी। विश्वास नहीं होता, ये देख मेरे रुमाल की हालत, देख सारे खून के निशान। थैंक्स यार, यू आर अ रियल फ्रेंड। थैंक यू। ला ये रुमाल मुझे दे। क्यों, तू क्या करेगा, फेंकते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, फेंकना नहीं, इसे मिटाना होगा। मैं मिटाऊंगा इसे। How much? 220? 220? Yeah. Oh, this is fine. Yeah. Excuse me, sir. Yes? अगर आप 200 से ज्यादा का सामान खरीदते हैं so you're getting gift for free. Okay. What's a good name, sir? तुषार मित्तल। Oh, hi. तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हारी गाड़ी बाहर देखी तो अंदर चली आई। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ ये कार किस लिए? समवन स्पेशल? या वेरी स्पेशल। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय। तुषार एक मिनट, एक्चुअली वो मेरी गाड़ी ऑपोजिट रोड पे खराब हो गई है, सो आई थॉट इफ यू कुड जस्ट हेल्प मी, यू नो। नो प्रॉब्लम, यहाँ पास में रमेश मिस्त्री का गैराज है, वहाँ तुम चली जाओ, मेरा नाम ले लेना, वो एक अच्छा सा मैकेनिक तुम्हारे साथ भेज देंगे। अच्छा ओके, अब तुम जल्दी चले जाओ, लंच टाइम होने वाला है। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, बाय। एक बात कहना तो मैं तुमसे भूल ही गया, रमेश भाई को मेरा हाय कहना प्लीज। ओके बाय। हेलो। हाँ सिंघानी साहब, मैं समय बोल रहा हूँ। हेलो समय, हाउ आर यू? हाँ सिंघानी साहब, हमने तो आपको गोदाम से 3 महीने के लिए दिया है और आपने हमें 6 महीने का किराया भेज दिया। बेटा वो तुम्हारी मेहरबानी थी,
लेकिन मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं हा? बंबई में ऐसा गोडाउन इतना सेफ इतने कम समय में कैसे मिल सकता है? देखिए सिंघानंद साहब, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने तो सिर्फ वो किया जो मुझे करना चाहिए था। देखिए सिंघानंद साहब, कायदे के हिसाब से हमें आपसे सिर्फ 3 महीने का किराया लेना चाहिए, जो कि मैं ले रहा हूँ। तो फिर ये 3 महीने का किराया एक्स्ट्रा क्यों? लेकिन फिर भी प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपके बाकी के 3 महीने का किराया वापस भेज रहा हूँ। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोलिए। देखो तुम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। 10 लाख? हाँ, मेरे पास एक प्रपोजल है। अगर तुम ये पैसे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत सारा मुनाफा हो सकता है। मुनाफा? अगर ऐसी बात है तो मैं मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये पैसा कैसे, कहाँ और कब इन्वेस्ट करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके ठीक है, बाय। क्यों समय, किस मुनाफे के बारे में बात हो रही है? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। देखो समय, बिजनेस का एक उसूल होता है जिसमें सबसे पहले पहले नुकसान की भरपाई के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद मुनाफे के बारे में। आप मुझे एक बात बताइए भैया, आप हमेशा मुझे टोकते क्यों रहते हैं? मैं टोक नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं समझना है तो? अगर तुम मेरी बात समझना नहीं चाहते तो मैं राजेश चाचू से बात कर लेता हूं, फिर वो तुम्हें समझा देंगे। एक मिनट। वैसे भैया, मैं भी आपकी एक ऐसी बात जानता हूं जो इस घर में कोई नहीं जानता, पर अगर ये बात मेरे बड़े पापा को बता दी तो बड़े पापा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे। ऐसी कौन सी बात जानते हो? शशांक का एक्सीडेंट। सॉरी भैया, उस दिन मैंने ये बात सुन ली थी। रियली? विकी यूएसए वापस आ गया? दैट्स ग्रेट यार, मैं कल ही मिल लेता हूँ उससे। क्या आज ही रात को कोलकाता जा रहा है? क्या यार, मतलब कि आज ही मिलना पड़ेगा? यश यार, तू भी ना ऐसे वक्त पे बुलाता है कि नहीं नहीं आना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ मैं आता हूँ, वहीं वेट कर, आई एम कमिंग। ओके बाय। क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही, देर हो जाएगी। बाय। गौरी जरा वो गेस्ट रूम की चाबी देना। दीदी कहाँ है गेस्ट रूम की चाबी? तो लेकिन प्रथम के दोस्त तो शादी के वक्त गेस्ट रूम में ही रह रहे थे, तो चाबी तो प्रथम के पास ही होनी चाहिए। देखना जरा अलमारी में होगी। यही है ना? हाँ यही है।